नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आई के लेवल यूट्यूब चैनल पे। तो आप सभी को इस वीडियो में मैं बहुत कुछ बताने वाला हूँ और बहुत कुछ पूछने वाला भी हूँ। तो आप सब तैयार रहिएगा इस वीडियो में, शुरू से लेकर आखिर तक इस वीडियो को देखिएगा। और कुछ पूछने वाला हूँ कि यार आप सब ये बिहार यूनिवर्सिटी को लेकर के क्या सोचते हो। हालाँकि लोग जो है यहाँ के बिहार यूनिवर्सिटी को लेकर के काफ़ी गलत सलत सोचते हैं, और कहीं ना कहीं वो शायद सही सोचते हैं। मैं भी ये सोचता हूँ कि वो कहीं ना कहीं सही सोच रहे होते हैं। तो आपका क्या सोचना है, अगर आप बिहार यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो, छात्र हो या छात्राएं हो, तो आप क्या सोचते हो आप अपने यूनिवर्सिटी के बारे में, ये मैं आप सभी से पूछना चाहता हूँ। जैसे कि यूनिवर्सिटी हमेशा गलतियाँ करते रहती है, कभी किसी के रिजल्ट को लेकर के गलतियाँ करते रहती है। हालांकि अभी जैसा देखे कि पार्ट थर्ड के रिजल्ट गलती कर दी, बिल्कुल कितनों के रिजल्ट पेंडिंग चले गए, कितनों के रजिस्ट्रेशन नंबर गलत है, कितनों के नंबर जुड़े ही नहीं हैं, कितनों के नंबर ही नहीं दिख रहे रिजल्ट पर। तो आपका क्या कहना है इस चीज़ के बारे में, वो आप टिप्पणियाँ जितनी भी है वो आप कमेंट बॉक्स में नीचे में लिखे। इसके लिए मैं स्पेशल वीडियो बनाऊंगा आपके कमेंट के ऊपर कि आप लोगों ने क्या क्या कहा है बिहार यूनिवर्सिटी के बारे में, क्योंकि लोग बहुत सारी बातें करते हैं बिहार यूनिवर्सिटी के बारे में, और एक्चुअल में जो स्टूडेंट है वो क्या सोचते हैं अपने यूनिवर्सिटी के बारे में, ये भी जरूर बताएं। तो हालांकि इससे जो न्यूज़ जो निकल के आई है बिहार यूनिवर्सिटी के बारे में वो काफी निंदनीय है। तो चलिए आज की ताज़ा खबरों पे हम यहाँ पे नज़र डालते हैं और वीडियो को शुरू करते हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं एक बात फिर से आप सभी को दोहराना चाहूँगा कि चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन करें। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, जो नीचे में थम्सअप का निशान है उस पर क्लिक करके आप उसे ब्लू कर दें और लाइक ज़रूर करें। तो चलिए यहाँ पर हम आपको न्यूज़ पढ़ के बताते हैं कि काफ़ी समय से यहाँ पर जो रिजल्ट जो पेंडिंग चली है और इसके वजह से जो है रिजल्ट अभी तक सुधार क्यों नहीं हुआ। आप लोगों का जो सवाल है बोल रहे कि अभी भी मेरा डुप्लीकेट रोल नंबर ही दिख रहा है। तो यहाँ पर कई सारी बातें निकल के आती हैं, यहाँ पे कितनी सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। पता चलेगा कि यहाँ पे जितने भी बीबी कर्मचारी थे वो सारे हड़ताल पे बैठे हुए थे। तो यहाँ पे क्या हो रहा था, 20 दिसंबर से हड़ताल पर थे कर्मी, उसके बाद मानदेय वृद्धि की कर रहे थे मांग, मतलब कि उनकी जो सैलरी है वो इंक्रीज कराने की मांग कर रहे थे। किस बात की ये लोग सैलरी ले रहे हैं जब इनसे एक काम सही से नहीं हो रहा है, रिजल्ट पेंडिंग में चला जा रहा है और किसी की रजिस्ट्रेशन नंबर गलत हो जाए, कहाँ पे चूक है। तो मानते हैं कि वर्कलोड बहुत ज़्यादा है, तो कम से कम टाइम ड्यूरेशन थोड़ा, अगर आप दिसंबर में रिजल्ट नहीं निकालते, थोड़ा बाद में ही रिजल्ट निकालते, तो इससे कुछ ज़्यादा बिगड़ने नहीं जा रहा था। जनवरी में लास्ट तक में रिजल्ट निकाल देते, बट इन्होंने रिजल्ट निकाला दिसंबर 31st को और पार्ट थर्ड का, और पूरा का पूरा रिजल्ट हुआ पेंडिंग। कुछ बच्चे हुए पास और कुछ बच्चों के तो मार्क्स ही नहीं चढ़े, कुछ के रजिस्ट्रेशन नंबर ही गलत हो गए। तो यहाँ पर जो आपको दिख रहा है, रिजल्ट सुधरवाने आए छात्रों ने किया हंगामा, पार्ट थर्ड के पेंडिंग रिजल्ट को सुधरवाने आए छात्रों ने बीबी में हंगामा किया। परीक्षा विभाग बंद रहने से छात्र आक्रोशित होकर नीचे चले आए और हंगामा करने लगे। हंगामा करने वाले एक छात्र ने बताया कि उस रजिस्ट्रेशन नंबर ही गलत कर दिया गया था, अब सुधरवाने के लिए बीबी के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। उसके बाद बीडी कॉलेज के एक छात्र ने कहा कि पार्ट 2 में उसका रिजल्ट पेंडिंग है, वह रोज आ रहा है और बिना कुछ हुए लौटना पड़ रहा है। मतलब यहाँ पे जो है उनकी रिजल्ट्स गड़बड़ हो चुकी हैं और यूनिवर्सिटी की तरफ से बस आश्वासन दिया जा रहा है कि आपका रिजल्ट सुधर जाएगा, रिजल्ट सुधर। तो अब एक सवालिया निशान ये है कि जिन जिनका रिजल्ट नहीं सुधरा, जिनका रिजल्ट अभी भी पेंडिंग में, तो ये कब तक होगा। तो अब आप सब निश्चिंत रहिए, क्योंकि जो भी बीबी कर्मचारी थे वो धरने से हट चुके हैं, अब उनकी जो है मांगे शायद पूरी हो जाए, तो अब आपका जो रिजल्ट पेंडिंग में था वो सारा चीज़ जो है ठीक हो जाए। तो यहाँ पे छात्रों के हंगामे पर बीबी के प्रकाश डॉक्टर राकेश कुमार पहुँचे, उन्होंने छात्रों को समझाया बुझा करके वापस भेज दिया। तो मतलब आज से शायद काम शुरू हो जाए और आप सभी का जो रिजल्ट पेंडिंग में चला गया था वो शायद रिजल्ट अब जो है सुधर जाए इस हफ्ते या अगले हफ्ते तक में सुधर जाए, क्योंकि जो बीबी के जितने भी कर्मचारी थे वो सब धरने पर से हट चुके हैं, हड़ताल ख़त्म कर चुके हैं। अब आपकी रिजल्ट जल्द ही जारी कर दी जाएगी अच्छी तरीके से जो भी पेंडिंग था, और अगर कुछ फिर से रिजल्ट में गड़बड़ियाँ पाई जाती है तो आप अपने कॉलेज को जाकर फिर से कंप्लेन करें और आपको इसके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए। बिकॉज ये सब सिर्फ पेंशन ले रहे हैं अपना कोई जो बैठ के, कोई सैलरी ले रहे हैं अपना बैठ के, और काम कुछ हो नहीं रहा है और सिर्फ आश्वासन पे आश्वासन दिए जा रहे हैं। तो आप सभी को भी इसके लिए आवाज़ उठानी पड़ेगी और अपनी अपनी टिप्पणियाँ कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को शेयर करें आगे तक ताकि जिनका क्या क्या सोचना है लोगों का ये हमें पता चल सके, और इसके लिए एक स्पेशल वीडियो ला पाएँ और यूनिवर्सिटी तक पहुंचा पाएँ कि भैया बच्चे क्या सोचते हैं, लोग क्या सोचते हैं, परेशान हैं कितने बच्चे और कितने टीचर्स परेशान हैं, कितने गार्जियंस परेशान हैं। ज़रूर बताएं टिप्पणियाँ और शेयर जरूर करें।